हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल के वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं पूरे एक महीने के बाद यूज करने के बाद Realme GT Master Edition फोन के बारे में अपने ओपिनियंस और एक रिव्यू टाइप की वीडियो होने वाली है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली सब कुछ करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट जितना मैंने यूज किया है सिर्फ मैं आपको अपने ओपिनियंस बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिस्प्ले का मेरे को तो नहीं पता, बट मेरे पेरेंट्स ने या जितने भी रिलेटिव्स हैं उन्होंने यूज किया है तो उन्होंने बोला कि ये काफी स्मूथ है और अच्छा दिखता है इसमें। तो और मैंने जब टॉकबैक इसमें यूज किया तो टॉकबैक भी ज्यादा हैंग मेरे को नहीं देखने को मिला, मतलब ज्यादा क्या बिल्कुल भी ये हैंग नहीं करता है बिल्कुल भी अभी तो, जब जहां तक मैंने यूज किया है। एंड स्टोरेज भी इसमें काफी ज्यादा है और जितनी भी मेरे को चीजें रखनी होती है वो उसके आधी स्टोरेज पूरी होने से पहले सारी मैंने अपने रख ली है। और इसमें इसका सिस्टम जो है Realme UI वो भी बहुत लाइट है और बहुत ही सॉलिड चलता है। और मैंने इससे ब्लोटवेयर फ्री भी कर लिया है क्योंकि इसमें ब्लोटवेयर्स आए थे, आपको इसमें ब्लोटवेयर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब Realme का खुद का ऐप ब्राउजर पता नहीं क्या क्या आपको मिल जाता है इसमें फालतू के ब्लोटवेयर्स पर, आप उन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। एक वीडियो बनाई है मैंने उसे देखकर। तो उसके अलावा इसका यूआई काफी अच्छा लगा मुझे एंड टॉकबैक यूजर्स के हिसाब से मेरे हिसाब से ये मतलब ऑलमोस्ट एक्सेसिबल है। कहीं कहीं जगह पर ये एक्सेसिबल नहीं है, जैसे आपको मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखो टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स, जो टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स है वो पूरी एक्सेसिबल है, बट जो स्लाइडर्स है पिच और स्पीच रेट के वो एक्सेसिबल नहीं। देखो दिखाता हूँ स्पीच रेट सीक बर, अब ये सीक बर तो बोल रहे हैं बट इसे आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बट इसके लिए इसी महीने Realme UI 3.0 का अर्ली एक्सेस आने वाला है, तो हो सकता है उसमें हमें एक्सेसिबिलिटी में और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। उसके अलावा इसमें आपको टॉकबैक के मल्टी फिंगर जेस्चर्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि पहले बोला गया था कि सिर्फ सैमसंग के फोन में मिलेंगे, बट इस वाले फोन में भी हैं और काफी फ्लुएंटली वर्क करते हैं। उसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर हैं। डिस्प्ले की बात तो मैंने आपको बता दी कि मेरे जो रिलेटिव हैं उन्होंने बोला कि भाई अच्छी डिस्प्ले इस फोन की और अच्छा फोन दिया है। अब बात करते हैं कैमरा। कुछ लोगों ने बोला कैमरा देख के कि अच्छा है और कुछ लोगों ने बोला कि इसकी सेटिंग्स में कुछ गड़बड़ है, तो वो कोई सॉफ्टवेयर इशू था जो फिक्स हो गया था बाद में अपडेट के साथ। और ज़्यादातर लोगों ने ये बोला कि इसका कैमरा अच्छा है और लेने लायक है ये फोन, कैमरा भी अच्छा है डिस्प्ले भी, बट बैटरी सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, बैटरी नहीं होगी फोन चलेगा कहाँ से। तो उसमें आपको रुको कैमरा बता देता हूँ। कैमरा इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद, इसके अलावा दो कैमरा और हैं 8 मेगापिक्सल एंड 2 मेगापिक्सल। और सेल्फी कैमरा आपको वहाँ पे पंच होल कैमरा मिल जाता है डिस्प्ले पर 32 मेगापिक्सल का डिस्प्ले, आपको 120 हर्ट्ज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में, बैटरी एंड चार्जिंग के बारे में। तो बैटरी इसमें 4300 mAh की एंड चार्जिंग है इसमें 65 वॉट की एंड ये बहुत तेज चार्ज होता है, मैंने खुद नोटिस किया भाई। ये मेरे को आधे घंटे वेट करना पड़ता है इसे चलाने के लिए, वो भी मैं जीरो नहीं करता उससे, मतलब मैं जीरो से पहले ही चार्ज पे लगा देता हूँ, तो मेरे को 20 या 25 मिनट इतना ही वेट करना पड़ता है एंड यू आर रेडी टू गो। मतलब अगर आप 10% भी, मतलब 10 मिनट भी अपने फोन को चार्ज पे लगा दो तो इतना हो जाएगा कि आप 2-3 घंटे तो उस फोन को लगातार यूज कर लोगे, उतना चार्ज हो जाएगा ये 10 मिनट में। और ये काफ़ी अच्छी बात है, मतलब 7 मिनट्स में ये चार्ज हो जाता है अराउंड 50% के आसपास, जो कि काफ़ी औसम बात है भाई। और कहीं कहीं पर नहीं होता, पर जहाँ पे वोल्टेज अच्छा आता है उधर हो जाता है, कहीं कहीं में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट होती रहती है उस वजह से नहीं होता। बट इसकी बैटरी भी, मतलब जब कुछ लोग जब मैंने इसे खरीदा था तो मेरे फैमिली में एक रिलेटिव थे, तो उनसे मैंने पहले पूछा था कि भाई ये मतलब मेरे को फ़ोन लेना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने बोला था कि इसकी बैटरी रात को ये स्टैंड बाय जब रहता है
तो बहुत ज्यादा 16-17% तक ड्रेन कर जाता है। बट अपने केस में बताऊं तो मैंने ऐसा कुछ भी नोटिस नहीं किया। इसकी बैटरी रात को एक या मैक्सिमम से मैक्सिमम 2% जाती है, उसके अलावा 1% ज्यादा नहीं जाती। अब हो सकता है कि जब ये फोन आया था तो इसका एक अपडेट आया था जिसे मैंने इंस्टॉल कर लिया था, तो उस अपडेट से उसके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम होगी जिससे बैटरी ड्रेन ज्यादा हो रहा होगा, वो इसने सॉल्व कर दिया होगा। अब परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है और ये काफी अच्छा काम करता है भाई। परफॉर्मेंस के लिए इसमें एक GT मोड भी दिया गया है। मेरे को तो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं GT मोड में करने के बाद भी, बट वीडियो शो की थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है जब आप वीडियो शो को GT मोड में करके एक्सपोर्ट करते हो। और मेरा भाई ट्विन क्राफ्ट बनाता है तो उसने GT मोड को करके जब उसे चालू किया तो फिर उसकी स्पीड भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है GT मोड से। बट ज्यादातर आपको पूरे UI में ज्यादातर जगह पर नहीं देखने में मिलेगा। अब सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहले मैंने आपको शुरू में सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा बता दिया था, बट आपको एक अच्छी चीज बता दो दोस्तों, अगर आपके फोन में अपडेट इंस्टॉल हो रहा है तब भी आप इस फोन को यूज कर सकते हो। अब ये वाला फीचर काफी सारे थोड़े बहुत शाओमी फोन्स में आता है, और इसमें ये वाला फीचर है, मतलब अपडेट इंस्टॉल हो रहा है और मैं फोन को यूज कर रहा हूँ, बट अपडेट को अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक रिस्टार्ट चाहिए होता है जो कि अराउंड 1 मिनट या 30 सेकेंड उतना ही लेता है। मतलब ऐसे नहीं कि अपडेट जब हो रहा है तो पूरे टाइम से स्विच ऑफ करके रखो जब तक अपडेट इंस्टॉल नहीं हो जाता तो वो अपना आप ऑन होगा, ऐसा नहीं है। अपडेट इंस्टॉल हो जाएगा तब तक वो ऑन रहेगा, जब आप रिस्टार्ट करना चाहो जब कर सकते हो, वरना वो रात को जब आप यूसेज बंद करोगे तो रात को वो अपने आप रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि भाई हमें अगर कोई इमरजेंसी है, हमने फ़ोन को अपडेट पे लगा दिया तो हम ये तो नहीं सोचेंगे कि भाई अब अपडेट पे लगा दिया अब जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है जब तक वेट करो, क्योंकि रीस्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कभी कभी जब न्यू अपडेट आता है तो ज़्यादा कभी कभी बूट होने में 1-1.5 मिनट लग जाता है, उससे ज़्यादा नहीं लगता। उसके अलावा आप जैसे आप डाउनलोड करते हो कहीं एक्सटर्नल पैकेज, मतलब मान लो मैंने Realme UI 3 डाउनलोड कर लिया अपने फोन में और मेरे को उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को वापस स्विच बैक करना है Realme UI 2 पे, तो ब्लाइंड्स के लिए भी वो चीज़ एक्सेसिबल है। मतलब मैं भी उसे सेटिंग्स में से जाके फ्लैश कर सकता हूँ उस वाले रोम को Realme UI वाले को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि उसके लिए हमें रिकवरी मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। जाना तो जा सकते हो बट सेटिंग्स के अंदर ही आपको ऑप्शन मिल जाता है इंस्टॉल लोकली, और Realme UI 2.0 में मिल जाता है सेलेक्ट इंस्टॉलेशन पैकेज, तो उससे आप कोई अपडेट या फिर आपका आया है फोन का और आपको मिला नहीं है तो आप Realme की वेबसाइट से डाउनलोड करके उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये फीचर ही बता दिए मैंने। सॉफ्टवेयर यूज़ बहुत अच्छा रहा है इस फोन का और काफ़ी सॉलिड फोन है अगर आप इसे लेना चाहते हो। अब बात करते हैं इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है। अब कुछ लोग इसलिए नहीं लेंगे भाई इस फोन को, ब्रांड्स को तो पता ही नहीं, कुछ लोग सोचेंगे कि यार हमें कैसे पता चलेगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कहाँ है। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो होता है जो होम बटन है उसके बिल्कुल ऊपर होता है, और अब वहाँ पर जैसे टच करोगे अपनी फिंगर को वो लॉक खोल देगा। एंड सरप्राइजिंगली मैं सोच रहा था कि मैं अडेप्ट नहीं कर पाऊंगा, बट 1-2 दिन में मैंने इसे अडेप्ट कर लिया और ये बहुत ही फास्ट अनलॉक हो जाता है। अब जो सारे लोग होते हैं जो फ़ोन को मतलब जो स्पीकर ग्रिल USB पोर्ट होता है उसे डाउनवर्ड फेस करते हैं और जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है उसे अपवर्ड, वो लोग थंब लगाते हैं, और मैं जो बैक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर होता है उस पर हम लगाते हैं अपनी इंडेक्स फिंगर, वो मैं यूज़ करता हूँ। तो मतलब काफ़ी फास्ट है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसमें फिंगरप्रिंट एनिमेशंस भी आपको अलग अलग मिल जाते हैं, हालांकि मेरे को वो एनिमेशंस का तो पता नहीं कैसे होते हैं, बट उनकी साउंड्स भी आप ऑन कर सकते हो, एनिमेशन साउंड्स जो कि काफ़ी मस्त लगती है जब अनलॉक होता है फ़ोन तो काफ़ी अच्छी लगती है वो साउंड्स। और ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है, बट इससे चीपर फ़ोन है Realme X7 Max, और वो इससे कुछ चीज़ों में आगे है और कुछ चीज़ों में पीछे है। अब देखो आगे इन चीज़ों में है कि उसमें डुअल स्टेरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं और इसमें सिंगल स्पीकर। अब भाई ये वाला फ़ोन उसके डुअल स्पीकर्स की वॉल्यूम को तो मैच नहीं कर सकता, बट ये भी बहुत ज़्यादा लाउड है एंड इसकी माइक क्वालिटी भी बहुत क्लियर है।
और दूसरी बात, इसमें स्नैपड्रैगन 778G है, उसमें डायमेंसिटी 1200 है, जो कि स्नैपड्रैगन 778G से स्लाइटली ऑन द बेटर साइड है। तो मतलब वीडियो रेंडरिंग में वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, उसके अलावा ज़्यादा आपको फ़र्क इसमें नहीं दिखेगा। इसका डिज़ाइन, जो बैक का डिज़ाइन है, मतलब टैक्टाइल फीडबैक है, मतलब जैसे आप टच करोगे बैक को तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी, भाई इसमें डिज़ाइन तो है मस्त, मतलब लाइन रेज्ड लाइंस हैं इसमें और काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन को। और वीगन लेदर की कोटिंग है बैक पर, और जब आप बिना केस के भी इसे पकड़ते हो तो ये काफ़ी अच्छा लगता है हैंड में। एंड अब कंक्लूजन में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा है, और इसे सेटअप भी मैंने खुद ही किया था, अगर आपने वो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो देखी हो तो। और आजकल के जो फ़ोन्स आ रहे हैं उन पे एक्सेसिबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, और मैं ये चाहता हूँ भाई ऐसे ही ध्यान देते रहे। और मैंने अपने फ़ोन को ऑन किया था, सीधा मैंने टॉकबैक को ऑन कर लिया था, दो बार वॉल्यूम की इसको होल्ड कर कर रख के वो ऑन बहुत आसानी से हो गया था। तो फिर यही था मेरा रिव्यू, अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस फ़ोन को खरीद सकते हो, एंड ओवरऑल ये पूरा वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है उस हिसाब से जिस प्राइस पे आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छे से काम करता है भाई, बहुत अच्छा फोन है ये, एंड आप इसे डेफिनेटली खरीद सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।